लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। सदन में अडानी मामले पर चर्चा को लेकर अड़ी कांग्रेस ने भारी हंगामा किया। हालांकि इस दौरान टीएमसी के सदस्यों ने इससे किनारा किया। कल संविधान दिवस के कारण अब संसद की कार्यवाही बुधवार को होगी। दिवंगत सांसद बसंत राव बलवंत राव चव्हाण और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत भी दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी आज कामकाज नहीं हो पाया। अब दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को होगी। दरअसल कल संविधान दिवस मनाया जाएगा, लिहाजा सदन में कामकाज नहीं होगा। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के लिए संयुक्त सत्र बुलाया गया है।